करेंगे स्पेशली ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले मैं आपको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस टाइप की होती है उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है इट इज टोटली बेस्ड ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट। तो यहां पे समझने वाली बात बच्चों ये रहेगी कि सबसे पहले तो आपको इस इक्वेशन को रिकग्नाइज करना है कि इक्वेशन ये होती कैसी है। सो एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट बोलती है जो इस फॉर्म में लिखी हो, लाइक यू हैव गिवन अ पी नॉट एंड देर इज सम डेरिवेटिव डी एन वाई वाई में डी एक्स एन, ओके, एंड प्लस एक और कॉन्स्टेंट लीजिए पी वन और डेरिवेटिव आप कम करते चले जाइए डी एन माइनस वन वाई वाई में डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो इस तरीके से डेरिवेटिव कम होता चला जाएगा, कॉन्स्टेंट आप डिफरेंट डिफरेंट लिखते चले जाएंगे, लास्ट पे क्या आएगा पी एन और डेरिवेटिव यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वाई रहेगा और इज इक्वल टू एक्स। तो जो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसका जो वर्किंग रूल है अब वो मैं आपको समझा देता हूं। तो इजी रहेगा वर्किंग रूल समझना अगर हम एक क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो चलिए देखिए, तो मैं एक एग्जाम्पल उठाता हूं और उससे आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं कुछ इक्वेशन लिख देता हूं। चलिए मान लीजिए कैसी इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट बोल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिखी डी टू वाई अपॉन, देखिए किसी भी डेरिवेटिव के साथ में कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, मैंने कहा कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट, यानी कि हर एक डेरिवेटिव का जो कॉफिशियंट है वो कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट का। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। तो एक दो इक्वेशन में और लिख देता हूं, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाए लाइक डी पावर फोर वाई बाय में डी एक्स रेज टू पावर फोर और प्लस फोर ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। सो पावर यहां पे जो डेरिवेटिव है वो कितना भी हो सकता है, डेरिवेटिव कुड बी ऑफ अप टू एन, ओके, तो डेरिवेटिव की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए और बहुत बड़ी इक्वेशन भी हो सकती है लाइक डी टू फोर वाई बाय में डी ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर एंड प्लस फाइव डी क्यूब वाई बाय में डी एक्स पावर थ्री एंड प्लस सिक्स डी टू वाई बाय में डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर डी वाई बाय में डी ऑफ एक्स एंड माइनस एट वाई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन आर द बेटर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट। अब हमारे सामने जो ऑब्स्टेकल्स है वो ये है कि सर ऐसी इक्वेशन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए मेथोडोलॉजी सीखते हैं कि ऐसी इक्वेशन अगर हमें मिलती हैं तो हमें किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। और एक बड़ा सिंपल सा वे है ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो मैं इस पहले वाले एग्जाम्पल को उठाता हूं और इससे मैं आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए So, कोई भी इक्वेशन जैसे भी आपने ले ली, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल उठाया और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूं यहाँ पे। सो इफ आई हैव इक्वेशन दैट डी टू वाई अपॉन में डी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस फोर ऑफ डी वाई बाय में डी ऑफ एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। सो बच्चों आपको करना क्या है यहाँ पे, आप इसका जो वर्किंग रूल है उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और जो इसको सिंबॉलिक फॉर्म होती है यहाँ पे आपको मेंशन नहीं करना है सिंबॉलिक फॉर्म, बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हमेशा इसको ऐसे लिखना है। और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए ना हम क्या करते हैं, जो डी बाई डी एक्स होता है ना इसको मान लेते हैं कि भाई ये कैपिटल डी है, दिस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी, ठीक है। तो जैसे आपने इसको लेट किया कैपिटल डी, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाएगी कि यहां पर देखिए डी बाई डी एक्स कैपिटल डी है, तो फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, ये बन जाएगा डी ऑफ स्क्वायर और वाई साथ में है ही माइनस फोर ऑफ डी और प्लस सॉरी वाई इसके साथ भी है और प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा और ठीक करके लिखेंगे तो आपको ये इक्वेशन कुछ ऐसी लिखेगी डी स्क्वायर
एंड माइनस फोर डी एंड प्लस वन और इनटू में आप लिखेंगे वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा जी। लॉजिक क्लियर है? तो अब आपको सबसे पहला काम जो करना होता है ना बच्चों, वो होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना। मैं स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको चीजें क्लियर करता जा रहा हूं। तो यहां पे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है जिसको आप ए ई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ए ई का मतलब क्या बच्चों? ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको बनानी है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एक्चुअली, व्हाट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन में बच्चों ये जो d वाला पार्ट है ना, इसको इक्वल टू जीरो रखना है आपको, यानी कि ये d स्क्वायर माइनस फोर डी और प्लस वन आपने लिखा है, इसको रख दीजिए इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और d की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, मुझे लगता है कहीं कोई परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली बी स्क्वायर माइनस फोर इसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू माइनस बी, सो इट विल बिकम फोर, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो बी स्क्वायर इज फोर, फोर जा 16 माइनस फोर ए सी इज माइनस फोर एंड डिवाइड बाई टू ऑफ ए, सो टू। तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये फोर एंड प्लस माइनस ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 और यहां बन गया बच्चों टू। थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए इसको, फोर एंड प्लस माइनस यहां से इसको लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री, तो टू बाहर लिख लेते हैं और अंडर रूट थ्री यहां रह जाएगा और डिवाइड बाई टू, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 12 को आप लिख सकते हो टू अंडर रूट ऑफ थ्री, यहां से टू कॉमन लेंगे तो ये बचेगा टू प्लस माइनस टू यहां से कैंसिल और अंडर रूट थ्री। तो यहां पे ये डी की वैल्यू आई है बच्चों, तो डी की दो वैल्यूज मेरे पास आ गई है। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपको पता है उतने ही रूट अपियर होंगे, तो यहां डी स्क्वायर था, डेफिनेटली डी के दो रूट आएंगे, एक ये प्लस वाला और एक माइनस वाला। नाउ टाइम इज दैट कि नेक्स्ट क्या करेंगे सर? अब डी ऑक्सिलरी इक्वेशन से डी कैलकुलेट कर लिया, देन व्हाट? तो यहां पे मैं आपको एक सिंपल सी अप्रोच से एक चीज सिखाता हूं। सो व्हाट यू हैव टू डू, द वर्किंग रूल इज व्हाट? तो आपने जब एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पे, कि ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने बनाई और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से आपको डी की वैल्यू मिलेगी। अब डी की वैल्यू कैसी कैसी हो सकती है? हो सकता है डी की सारी वैल्यू रियल हो सकता है सारी वैल्यू इमेजिनरी हो सकता है सारी वैल्यू आपकी जीरो हो, वट एवर कुड बी पॉसिबल। तो यहां पे आप तीन केस बनाते हैं आप डी की वैल्यू के लिए। तो पहला केस तो ये है कि अगर मेरे पास जो डी के सारे रूट क्या है, मान लेते हैं कि जो रूट्स है ना वो m1 m2 है, मान लीजिए यहां पे मैं m से डिनोट करता हूं d is equal to, तो ऑल रूट कैसे आते हैं? मैं मानता हूं कि सारे रूट जो है ना m1 आया, एक m2 आ गया, एक m3 आ गया, मैं कोई nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बता रहा हूं, जर्नल बता रहा हूं, एक mn आ गया, ठीक है। और सारे कैसे हैं? रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी है, यानी कि अलग अलग भी हैं। तो रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको डिफरेंट लिख लीजिए या डिस्टिंक्ट लिख लीजिए। तो इस केस के अंदर आपको निकालना क्या है बच्चों? यहां पे आपको ढूंढना है कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं सी ऑफ एस, सो आई विल यूज द अनदर। तो यहां पे आपको क्या निकालना है? सी एस। सी एस होता है बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, और समटाइम इसको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी बोला जाता है, तो वो एक ही बात है, सी एफ लिखा हो या सी एस लिखा हो, तो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल। अब आपको जो सी एस निकालना है या सी एफ निकालना है उसका मतलब क्या है? समटाइम इसको सी एफ भी लिखा होता है, तो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल, ओके, क्योंकि बहुत से बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर बुक में सी एफ लिखा हुआ है तो हम इसको किस तरीके से सोचे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। तो अब यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन आएगा और मैं बताऊंगा कि सी एफ कब बोलते हैं इसको। तो इस केस में ना, जब कंप्लीट सॉल्यूशन में बता रहा हूं कि सभी रूट क्या है, रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो इसमें हम लिखते हैं कि जो y इज इक्वल टू जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, वो होगा c1 एंड e रेज टू पावर m1x प्लस c2 एंड e रेज टू पावर m2x एंड एज सो ऑन।
तो ये जो कांस्टेंट आपको अपनी तरफ से लगाने हैं C1, C2 और ये जो भी रूट्स आएंगे ये e की पावर में लिखे चले जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल इज देयर। अब दूसरा रूल लिखिए, सेकंड। अब मान लेते हैं कि जो रूट्स है वो रियल नहीं है, अगर वो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं, तो क्या करेंगे? इमेजिनरी रूट्स हो, या फिर आप इसको कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं ना, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट हो तो क्या करें? अब कॉम्प्लेक्स रूट होते कैसे हैं बच्चों? ऑब्वियस ही बात है, कॉम्प्लेक्स रूट कैसे होंगे सर? अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, ऐसे रूट होंगे। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक रूट के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, अगर एक ऐसा रूट आता तो क्या करें? अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा। तो यहां पे रूल ये है कि आपकी जो वाई की वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी? इन दैट केस जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो बच्चों ऐसे लिखा जाएगा, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, ये जो अल्फा है ना इसको इधर लिखिए, ई रेज टू पावर अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है, ई रेज टू पावर अल्फा ऑफ एक्स यहां लिखा जाएगा, इंटू व्हाट? इंटू में आप लिखेंगे कॉस ऑफ बीटा एक्स, ओके, एंड प्लस साइन ऑफ बीटा एक्स। साइन ऑफ बीटा एक्स यहां पे आइटा है, बट यहां कहीं पे मैंने आइटा मेंशन नहीं किया, तो ध्यान देना जो सॉल्यूशन आएगा उसमें आइटा अपीयर नहीं होगा, तो दिस विल बी नोन एज कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहां पे एक किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ठीक है, यहां पे आपने कहा कि सारे रूट रियल हैं और डिफरेंट हैं, अगर रूट सेम हो गए तो, इफ द रूट विल सेम देन व्हाट, तो वो चीज मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फिलहाल दो चीजें आपको याद रखनी है, अगर रूट रियल होंगे तो आपको e की पावर में लिखने हैं, अगर रूट इमेजिनरी होंगे तो आपको कॉस की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये दो चीजें आप याद रखिए, बाकी आपको क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। चलिए एक बार हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो यहां पे देखो उसने कहा कि अगर कॉम्प्लेक्स वाले रूट आएंगे, कॉम्प्लेक्स आए या फिर रैशनल आए, तो आपको क्या करना है? इन दैट केस आपको ये कॉस वाली फॉर्म में लिखना होता है, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब चलिए वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, तो हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो रूट कैसे आए हैं? क्या ये कॉम्प्लेक्स है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, ये रियल रूट हैं। और क्या ये डिफरेंट है? बिल्कुल, ये डिफरेंट रूट भी हैं, दोनों सेम तो नहीं है ना, तो यहां पे रूट जो है वो रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या आएगा, सी एस क्या निकलेगा? तो सिर्फ इस केस में तो फिर सी एस होना चाहिए ई वाला, हम अभी पढ़ गए हैं, तो ई वाला मतलब क्या? देखो सिंपल सी बात आपको बताऊं, आप लिखोगे दो रूट आए यहां पे, इसको ऐसे लिख लीजिए, दो रूट, एक आया है 2+√3 और एक आया है 2-√3, ठीक है। यहां पे लिखना है आपको ई रेज टू पावर, सो एक कांस्टेंट लगाएंगे, दो रूट है तो दो कांस्टेंट है, C1 और e रेज टू पावर 2+√3 एंड x, और प्लस C2 एंड e रेज टू पावर 2-√3 एंड x, वही m1 एंड m1x एंड m2x। यहां पे आपने क्या लिखा था? m1x m2x, यहां मैंने ये लिख दिया क्योंकि ये आया रूट, भाई क्या परेशानी है, ठीक है। तो कुछ चीजें तो आई होप सो क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों मैं सिर्फ अभी तक उन इक्वेशंस की बात कर रहा हूं जिनके इक्वल टू में जीरो है, आगे आपको इक्वेशन मिलेंगी जिनके इक्वल टू में जीरो नहीं होगा, और जिनके इक्वल टू में जीरो होता है ना उनको होमोजीनियस इक्वेशन भी बोला जाता है, तो ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन भी आप इनको बोल सकते हो, लीनियर तो है ये बट इक्वल टू जीरो दे रही है, तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का नाम इनको दे सकते हो। अब चलो एक और प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको बस यही सोचना है कि अपने मन से क्वेश्चन बनाइए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम और क्या प्रॉब्लम आ सकती है हमें क्वेश्चन करते वक्त। तो अब मान लो वहां पे रूट ऐसे आए थे, अब यहां पे देखते हैं रूट कैसे आएगा। अभी आपको क्लियर हो गया कि सर डी को क्या मोलना है, डी स्क्वायर, इसको क्या देना है, -4d, यहां पे क्या आएगा +k4, और इनटू में क्या आएगा y, और इक्वल टू में क्या आएगा 0, ठीक है।
फिर क्या बनाते हैं जी, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये जो अंदर डी स्क्वायर वाली चीजें होती है ना, इनको उठा के क्या रख देते हैं, इक्वल टू जीरो। अब जैसे आपने इसको इक्वल टू जीरो लिखा, तो ये मुझे बड़ा परफेक्ट सा लग रहा है कि सर ये डी माइनस टू का होल स्क्वायर टाइप चीज है, ये फैक्टर बन गए। जैसे ही फैक्टर बने तो डी की मेरे पास वैल्यू आ गई, एक टू और दूसरी भी टू। तो लीजिए यहाँ पे डी के रूट मिल गए मुझे, बट यहाँ पे जो रूट है बच्चों वो रियल तो है बट डिफरेंट नहीं है, रियल तो है बट डिफरेंट नहीं है। तो रियल के लिए क्या होता है लॉजिक, आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आपने बनाया था उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, C1 वाला लॉजिक। तो C1 e रेज टू पावर 2x प्लस C2 और e रेज टू पावर 2x, कोई परेशानी नहीं। बट बच्चों यहां पे ना एक चीज ध्यान देना, जैसे रूट रिपीट हो जाए ना किसी बात के, तो ऐसे मत लिखो, इसमें रिपीटेशन है। तो ये e की पावर 2x दो बार आ गया ना, तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा ठीक करके लिख दो। तो आप क्या करो, जो दूसरी बार आप सी लिखते हो ना, उसके साथ एक हल्का सा एक्स और लगा दो बस, यानी कि जब रूट रिपीट होंगे तो जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार एक्स आ जाएगा। तो यहां पे इसको आप ऐसे लिखना पसंद करो कि C1 प्लस एक्स C2 और e रेज टू पावर 2x, ठीक लगा। अब आप सोचो कि यही जो रूट है ना, ये d इज इक्वल टू आपके पास 2 और 2 आए, और हो सकता है ये 2 आपका 4 बार आ जाता, तो आप इसको ऐसे लिखते लाइक C1, कितने कॉन्स्टेंट आएंगे इस बार, 4 कॉन्स्टेंट आएंगे, C1 x ऑफ C2 प्लस x स्क्वायर ऑफ C3 एंड प्लस x क्यूब ऑफ C4, 4 कॉन्स्टेंट हुए, और इनटू x रेज टू सॉरी e रेज टू पावर 2 ऑफ x। तो यहां पे अगर रूट रिपीट होते हैं तो इस तरीके से आपको लिखना है, रूल वही है रियल का और इमेजिनरी का। रियल आएंगे तो आपको ई की पावर वाला लॉजिक यूज करना है, और कॉम्प्लेक्स आएंगे तो आपको वो साइन कोस वाला फंडा यूज करना, बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर हुई बात अब? चलो अब मुझे लगता है कि अब हम थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर रख सकते हैं, थोड़ा स्पीडली काम कर सकते हैं, क्योंकि लॉजिक आपको क्लियर हो चले हैं, ठीक है। और लॉजिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी दिक्कतें जो है ना वो कम होती चली जाएंगी। चलो एक और क्वेश्चन जस्ट आई एम गोइंग टू परफॉर्म नाउ, and this time you will try to help me to solve out this kind of a question, okay? So here you have मैं directly question लिख लेता हूँ, d power 4 plus 5 d square and plus 6 and y is equal to 0. So it means almost things we have. So first of all, what we have to find, what we will try to find out, that first thing I will find out that auxiliary equation, and auxiliary equation will become d raised to power 4 plus 5 d square or plus 6 is equal to 0. तो यहां से आपको इसको d के लिए सॉल्व करना है, और मुझे लगता है कि d के लिए बड़ा इजीली सॉल्व हो रहा है क्योंकि फैक्टर बन रहे हैं। एक बना दीजिए d square plus 3, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के इसको बना सकते हो आप, और दूसरा बन गया आपके पास d square plus 2 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करना मुझे लगता है परेशानी नहीं है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 और दूसरी तरफ आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, यहां से मिल जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 एंड आयोटा, और यहां से आ रहा है डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 एंड आयोटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहां भाई डी की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब डी के रूट कैसे हैं, रियल तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कॉम्प्लेक्स के लिए तो आपने ना वो रूल पढ़ाया था कि अगर डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा टाइप चीज आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, क्योंकि रूट हमेशा जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं हमेशा कंजुगेट पेयर में आते हैं, तो अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आ गया, तो आपने कहा था सर इसको लिख देना ई रेज टू पावर अल्फा एक्स और कॉस बीटा एक्स प्लस आइटा, सॉरी आइटा नहीं लिखते हैं, साइन बीटा एक्स, यही बताया था आपको। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहां पे हमारे पास अल्फा तो है ही नहीं, है ना बच्चों, अल्फा तो है ही नहीं क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट 3 आइटा नहीं, बीटा बीटा अल्फा नहीं है, तो इसका मतलब अल्फा अपना क्या हो गया, जीरो। अब अगर अल्फा जीरो हो गया तो फिर ई रेज टू पावर जीरो वन होता है, तो इसलिए ई को लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सीधा क्या लिखोगे, कॉस ऑफ रूट 3x प्लस साइन ऑफ रूट 3 ऑफ एक्स, बट यहां पे कॉन्स्टेंट लगते हैं, एक C1 और इधर एक C2, क्योंकि जितने भी रूट होते हैं ना उतने कॉन्स्टेंट आते हैं, दो रूट हैं दो कॉन्स्टेंट तो आएंगे,
यहां पे कॉन्स्टेंट लगते हैं, मैं लिखने भूल गया, C1 और C2। ओके, और सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा बच्चों, इसके लिए भी, इसका भी तो अल्फा जीरो है, यहां पे भी अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो है तो इसका भी क्या बन गया, C1 ऑफ कॉस रूट 2x एंड प्लस C2 ऑफ साइन रूट 2x। ओके, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और जब तक इक्वल टू जीरो रहेगा तो आप इतना ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना। लॉजिक समझ रहे हैं आप, क्योंकि बाकी का जो काम है ना वो आपको करना होगा इसके बाद, क्योंकि जब इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा तो हमारे लिए जो मेथोडोलॉजी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी बच्चों। वहां पे आपको कुछ और चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, वो मैं एक डिफरेंट लेक्चर लूंगा, बट इस लेक्चर में आपको सिंपल इन चीजों को क्लियर करना है कि कैसे इक्वेशंस आ जाएं तो आपको किस तरीके से उस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, लॉजिक क्लियर हो रहा है कुछ कुछ तो? तो फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है दैट यू विल ट्राई टू परफॉर्म। वन इज डी क्यूब वाई बाय में डी ऑफ एक्स क्यूब एंड -13 ऑफ डी वाई बाय में डी ऑफ एक्स एंड -12 वाई इज इक्वल टू जीरो। एंड द वन मोर क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज एंड दैट इज डी रेज टू पावर 4y बाय में डी एक्स रेज टू पावर 4 एंड +4y इज इक्वल टू जीरो। सो यहां आपको परेशानी क्या आएगी, परेशानी सिर्फ इतनी आएगी कि आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर बनाने आ गए तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट अगर आप फैक्टर नहीं बना पाए तो इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, डी क्यूब -13 ऑफ डी और -12 इज इक्वल टू जीरो। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फंडा बड़ा क्लियर है कि आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको यूज करना होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, कि कोई ऐसा नंबर हम ढूंढ ले जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो वन रख के देखेंगे तो आई डोंट थिंक सो इज सेटिस्फाइड, बट -1 रख के देखूंगा तो जरूर सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहां -1 आ जाएगा और यहाँ प्लस के 13 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे बच्चों -12, तो इट विल बिकम जीरो। तो डी इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और जैसे ही आप डी इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई सब्स्टिट्यूट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपके पास दूसरे रूट आ जाएंगे, डी के लिए एक और रूट आ जाएगा और एक और रूट आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रूट आएंगे। एक आएगा बच्चों -2 और एक आएगा √3। तो जैसे डी के तीन रूट आ गए तो अब आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, वो क्या आएगा, वाई इज तीनों रियल हैं और डिफरेंट हैं। सो आप लिखेंगे C1 e रेज टू पावर -x, -1 के लिए -x प्लस C2 e रेज टू पावर -2x दूसरा रूट प्लस C3 एंड e रेज टू पावर 3x तीसरा रूट। ओके, एंड दिस विल बी द योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इट इज नोन एज। So the same things you will try to perform here. Here d raised to power 4 and plus 4 and having y is equal to 0. But यहां अब आपको एक काम करना है कि आपको ये ढूंढना है कि d raised to power plus 4 is equal to 0. So what will be the root of d? D की वैल्यू क्या आएगी? That is the challenging question for you. So you will try to work on this question and if you found any problem, so you can write in the comment.